ऐसा ना हो कि अपने जरिए अपने परिवार तक वायरस पहुंचावे। इस वायरस को सिर्फ सोशल डिस्टेंस के साथ ही रोका जा सकता है। कुछ लोग इसकी गंभीरता को ध्यान में नहीं रखते हुए रोड पर निकल जा रहे हैं, जिनके द्वारा ये वायरस फैलने की आशंका है। हाँ, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है, सरकार, प्रशासन, पुलिस, उसके अलावा नर्सिंग के टोटल स्टाफ, सफाई कर्मी, सारे लोग अपनी जान हथेली पर लेकर समाज को बचाने के लिए निकले हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शुभम कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं सगुना मोड़ पे। आपको बता दें कि हम इससे पहले की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, हम कारगिल चौक से शुरुआत किए थे, उसके बाद राजापुर पुल, बोरिंग रोड, बेली रोड, सब जगह की हालात आपको दिखाए। और आप देख, आपने तस्वीरों में देखा भी होगा कि किस तरह पटना की सड़कें जो है बिल्कुल वीरान हो गई हैं, सुनसान हो गई। यानी कि बता दें कि इस तरह का माहौल लग रहा है कि पटना पूरा लॉकडाउन हो चुका है। और अब हम पहुंच चुके हैं सगुना मोड़ पे और यहाँ की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरा पटना जो है वो सुनसान हो चुका है। जब हम बेली रोड के पास थे तो हमें एक शख्स मिले, उनके हाथों में माइक था और वो बाइक पे चल रहे थे। जब हमने उनसे बात की कि आप आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं पटना के लोगों के लिए जागरूक अभियान चला रहा हूँ, और वो माइक के सहारे लोगों को ये मैसेज देने का काम कर रहे थे कि अभी भी इक्का दुक्का लोग जो पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं, उन लोगों को वो अपने माइक के सहारे मैसेज देने का काम कर रहे थे कि आप पटना की सड़कों पे ना उतरें, आज जो कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू लगाया गया, इसका समर्थन करें, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और कहां से हैं ये बताएं। मेरा नाम सतीश चंद्र मिश्रा है, मैं पटना का ही रहने वाला हूँ। अभी आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, सरकार के द्वारा सारा चीज बताया जा चुका है, लेकिन कुछ लोग इसकी गंभीरता को ध्यान में नहीं रखते हुए रोड पर निकल जा रहे हैं, जिनके द्वारा ये वायरस फैलने की आशंका है। अतः वैसे लोग इसकी गंभीरता को ध्यान में रखें और अपने घर परिवार के बीच में रहें। सोशल डिस्टेंस ही इसकी एकमात्र रोकथाम का उपाय है। तो आप एक आम जनता के रूप में लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हाँ, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है, सरकार, प्रशासन, पुलिस, उसके अलावा नर्सिंग के टोटल स्टाफ, सफाई कर्मी, सारे लोग अपनी जान हथेली पर लेकर समाज को बचाने के लिए निकले हुए हैं। उसमें मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है, ये बोध होते हुए हमने अपना समय दिया। कोरोना वायरस इतना फैला हुआ और आप अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाए? मास्क की कमी हो गई है, बाजार में उतना नहीं मिल पाया। अभी मेरे पास बिल्कुल नया गमछा था, मैं इसको लेके निकल चुका हूँ। उसके अलावा सबसे पहले तो हमको इसको बढ़ने से रोकना है, उसके लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। और अब कहाँ से कहाँ जाइएगा और कहाँ से आ रहे हैं, पहले ये बताइए। हम तो जगदेवपुर से डाक बंगला स्टेशन होते हुए, और मेन शाम के समय में लोग परहेज करें, ना निकलें, लेकिन उसी की आशंका को देख के मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, बेजरूरत रोड पर ना निकलें, ऐसा ना हो कि उनके जरिए उनका ये कोरोना वायरस उनके घर परिवार में जाए, घर परिवार से समाज में जाए, समाज से देश में जाए। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।